हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सेट्स क्लास 11th। आइए सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ रियल नंबर। जैसे कि रियल नंबर्स हमने पढ़ा है, 10th क्लास में भी पढ़ा है। रियल नंबर्स के अंदर सभी नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स और एक हमने नंबर लाइन के बारे में पढ़ा है। उस नंबर लाइन पे जो भी नंबर को हम दिखा सकते हैं दैट आर रियल नंबर। देखिए ये एक नंबर लाइन है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 जो नंबर हम देख पा रहे हैं। इस नंबर लाइन पर सिर्फ यही नंबर नहीं होते। अगर हम 1 और 2 के बीच की बात करें, हम 1 को ले लेते हैं और 2 को ले लेते हैं। अगर हम 1 और 2 के बीच के नंबर की बात करें तो 1 और 2 के बीच में इतने नंबर होते हैं कि उनको हम काउंट नहीं कर सकते, एंडलेस नंबर होते हैं। उनको हम बता नहीं सकते कि 1 लाख है, 1 करोड़ है, 1 और 2 के बीच में नहीं बता सकते हम। तो आप सोचिए कितनी बड़ी नंबर लाइन है, किस टाइप के नंबर्स होंगे, रूट में, डेसिमल्स में। देयर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ नंबर्स आर देयर। ओके, अभी देखिए एक रिप्रेजेंटेशन होती है इंटरवल्स की। जैसे हम इस पर कोई भी इंटरवल लें, जैसे 1 और 2 के बीच के कोई भी नंबर लें हम, तो ये सभी क्या होंगे, सबसेट होंगे रियल नंबर के। ठीक है, जैसे उन इंटरवल्स के कुछ नाम हैं, जैसे क्लोज्ड इंटरवल है, ओपन इंटरवल है, सेमी ओपन है, सेमी क्लोज्ड इंटरवल है। तो उनको हम क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है, ओपन इंटरवल क्या होता है, उनको जानेंगे। आइए सपोज कीजिए हम 1 और 2 के बीच में एक सेट दिखाना चाहते हैं नंबर्स का। इसको कैसे दिखाएंगे, जैसे मान लीजिए मैं लिख लेता हूँ कोई एक ऐसा नंबर है रियल नंबर जो 1 और 2 के बीच में आता है। क्या नंबर माना मैंने, 1 और 2 के बीच में रियल नंबर है। कितने नंबर है, बहुत सारे नंबर हैं। तो मान लीजिए कोई जितने भी नंबर होंगे ना 1 और 2 के बीच में, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर बहुत सारे नंबर्स हैं, तो एक सेट सा बन जाएगा उन एलिमेंट्स का जो 1 और 2 के बीच में है। तो हम एक्स एक नंबर को ना मानते हैं, उन नंबर्स को भी मान सकते हैं जो 1 और 2 के बीच में आते हैं। ओके, तो एक्स एक नंबर ना होके वो एक सेट ऑफ रियल नंबर्स है जो 1 और 2 के बीच में आता है। ओके, अब हमारे कंडीशंस कई क्रिएट होंगी। जैसे मान लीजिए 1 और 2 लेते हैं हम और एक्स एक सेट है नंबर्स का 1 और 2 के बीच में। ठीक है, उसमें बहुत सारे नंबर्स हैं। देखिए कैसे लिख सकता हूं मैं, 1 है जो एक्स से छोटा होगा, मतलब 1 से बड़ा होगा एक्स। ठीक है, और एक्स क्या होगा, 2 से छोटा होगा। अगर हम 1 और 2 की बात करें, 1 और ये मान लीजिए 2 है आपका, तो इसमें हमने 1 को भी इंक्लूड नहीं किया और 2 को भी इंक्लूड नहीं किया। तो इसको हम दिखाएंगे कैसे एक सेट की फॉर्म में, एक मतलब इसको इंटरवल की फॉर्म में कैसे दिखाएंगे। इंटरवल की फॉर्म में हम इसको ऐसे दिखाएंगे कि जैसे आपका 1 है तो 1 भी इंक्लूड नहीं है और 2 भी इंक्लूड नहीं है। 1 और 2 क्या है, इंक्लूड नहीं है, शामिल नहीं है, बट 1 और 2 के बीच में जो देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स हैं इनके बीच में, वो सभी नंबर आ जाएंगे। इसका मतलब होता है जो ये ब्रैकेट होता है इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में 1 और 2 शामिल नहीं होते, बाकी सभी नंबर होते हैं इसके बीच में कि 1 से बड़ा होगा एक्स और 2 से लेस होगा, तो इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। कौन सा इंटरवल बोलते हैं, ओपन इंटरवल। ओके, अब अगर मैं 1 को इंक्लूड कर लेता हूं कि 1 शामिल हो जाए, अब मैंने 1 को शामिल कर लिया, अब 1 भी हो सकती है वैल्यू, तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग होना चाहिए इंटरवल में। उसको हम कैसे करते हैं, अगर 1 इंक्लूड कर लेते हैं तो एक्स क्या होगा, एक्स जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है वो 1 के इक्वल भी हो सकता है और 2 से क्या होगा, लेस। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जैसे 1 इंक्लूड है ना तो यहां हम क्लोज इंटरवल कर देंगे, मतलब 1 भी इंक्लूड है, बट 2 को मैंने अभी क्या ले रखा है, इस सेट से बाहर, इस इंटरवल से बाहर रखा है।
ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये ओपन इंटरवल लग जाएगा, इसको बोलते हैं हम सेमी क्लोज, सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। इंटरवल यहां पर लिख लीजिए इंटरवल, तो इसको क्या बोलेंगे, सेमी ओपन इंटरवल भी बोल सकते हैं, सेमी क्लोज्ड इंटरवल भी बोल सकते हैं। अब ये भी तो हो सकता है कि भाई वन को ना करके टू टू को करके खा ली, यस कर सकते हो। अगर हम वन को इंक्लूड ना करके टू को इंक्लूड कर रहे हो, टू से कम रहे, तो उसके इसमें क्या हो जाएगा, वन तो इंक्लूड नहीं करेंगे और टू को इंक्लूड कर लेंगे। अब टू को इंक्लूड किया तो टू की तरफ से क्या है, क्लोज्ड ब्रैकेट आ जाएगी, क्लोज्ड कन्वोल कर देंगे इसको, इसे टू, और वन को क्या रख दिया, वन से बड़ा होना चाहिए एक्स, तो वन को छोड़ दिया ओपन, जहां ओपन है इसका मतलब वन इंक्लूड नहीं है, वन शामिल नहीं है इसमें, ना तो वन शामिल है ना टू शामिल है, इसको ओपन इंटरवल बोल देते हैं। यहाँ पे वन शामिल है टू शामिल नहीं है, इसको सेमी ओपन इंटरवल बोल देते हैं। अब ये भी तो वही है, इसमें वन शामिल है इसमें टू शामिल है, तो ये भी सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन इंटरवल ही रहेगा। अब एक इंटरवल बचता है हमें, एक ही सोर बचता है, अगर हम वन और टू को भी शामिल कर लें, जैसे ये है, अब वन को भी शामिल कर लेता हूँ और टू को भी शामिल कर लेता हूँ, इसके बीच में जो नंबर है उनको भी शामिल कर लेता हूँ, तो ये इसे बोलते हैं हम क्लोज्ड इंटरवल, इसको क्या बोलते हैं, क्लोज्ड इंटरवल। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, यहीं पर लिख देता हूँ, वन के इक्वल भी हो सकता है x, x जो सेट है रियल नंबर्स का, और ये टू, ये भी और ये बीच के सभी नंबर आ जाएंगे, तो इसको हम दिखाएंगे वन के लिए भी क्लोज हो जाएगा और आपका टू, ये इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। क्या बोलते हैं, क्लोज्ड इंटरवल, ओके। ये क्लोज्ड इंटरवल है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ओके। ये आपका ओपन इंटरवल है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये आपका सेमी ओपन इंटरवल से दो तरीके से लिखा जा सकता है, अगर ऐसे लिखा है ये है तो ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, और एक है आपका ऐसे लिखा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये डेफिनेशन क्या कहती है, ए एंड बी आर टू रियल नंबर, हमने यही तो लिया है, वन और टू रियल नंबर है, इस प्रकार है कि एक ए से बड़ा है बी, तो ए इसको ये मान लीजिए, ये क्या है बी, बी बड़ा है, देन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्स सच दैट कि जो एक्स आए इनके बीच में आए, और ए और बी के इक्वल भी हो सकता है, तो इसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा तो क्या हो जाएगा, इसको हम क्लोज्ड इंटरवल बोलते हैं, डिनोट इसे किया जाता है। तो इंटरवल के लिए था, इसके साथ साथ मैंने आपको ओपन सेमी ओपन इंटरवल्स को भी बता दिया है, ठीक है। अगर कहीं आप ऐसा लिखा है और इसको बोल देते हैं कि ऐसे लिखिए आप सेट की फॉर्म में लिखिए, तो आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिखा तो इंटरवल की फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, इसी में सेट्स का टॉपिक है, यूनिवर्सल सेट और ऑपरेशंस ऑन सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं, इसे रफ कर देते हैं, देखिए यूनिवर्सल सेट देखना है। पहले तो यूनिवर्सल सेट होता क्या है, देखिए यूनिवर्सल सेट की मैंने एक डेफिनेशन लिखी है, देयर आर सो मैनी डेफिनेशंस, बहुत सारी परिभाषा हो सकती हैं, अलग अलग हो सकती हैं। इस सेट कंटेन्स ऑल द सेट्स इन ए गिवन कंटेस्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे हम ज्योमेट्री हम टू डायमेंशनल में पढ़ना है, किसी टू डायमेंशनल को स्टडी करना है, तो टू डायमेंशन में जितने भी उस आपके प्लेन में पॉइंट्स होंगे, तो सभी पॉइंट्स क्या होंगे, उन पॉइंट्स पॉइंट्स सभी इंक्लूड होंगे उसमें, किसमें, यूनिवर्सल सेट में, ओके। अगर मान लीजिए मैं नेचुरल नंबर पे स्टडी करना चाहता हूँ, नेचुरल नंबर के बारे में, तो जितने वो पूरा जो यूनिवर्सल सेट होगा उसके अंदर हम मानेंगे कि ऑल नेचुरल नंबर आर देयर, ठीक है, पूरी काउंटिंग होगी। अगर मान लीजिए मैं अपनी स्टडी 1 to 10 नंबर्स नेचुरल नंबर्स के बीच में फोकस रखना चाहता हूँ कि भाई मैं आप स्टडी करूँगा 1 to 10
नेचुरल नंबर्स पर सिर्फ, तो 1 to 10 है, इसी पे मेरी स्टडी का फोकस रहेगा। तो 1 to 10 जो नेचुरल नंबर्स है वो आपका यूनिवर्सल सेट होगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए 1 to 10 ही मैं आप अपनी स्टडी को फोकस करता हूँ, तो यूनिवर्सल सेट क्या हुआ, लेट यू इज इक्वल टू, यूनिवर्सल सेट है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेचुरल के केस में कहां तक चला जाएगा ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंडलेस तक जाएगा। अब मुझे स्टडी क्या अपनी फोकस रखनी है, 1 to 10 नेचुरल नंबर्स पे, तो इसलिए हमारा यूनिवर्सल सेट क्या हो गया, 1 to 10 तक मैंने ले लिया। अब कोई भी सेट बनेगा, इसको सुपर सेट भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, सुपर सेट। जो भी हम सोर्स आपका, जो भी हम सेट्स लेंगे ए बी सी, जो भी सेट्स लेंगे वो हम 10, 1 और 10 के बीच में ही इन्हीं में से कोई एलिमेंट लेने पड़ेंगे, ठीक है, जो आगे स्टडी करेंगे। तो अब आप इससे पहले और देखिए, यूनिवर्स सेट, जो सेट का आइडिया आया कहाँ से, एक ब्रिटिश के मैथमेटिशियन जॉन वेन, और एक स्विस के भी थे, उनका यूलर नाम था उनका, तो इसको हम वेन डायग्राम भी बोल देते हैं और यूलर वेन डायग्राम भी बोल देते हैं, दोनों मैथमेटिशियन के नाम पे। तो उन्होंने क्या क्या दिया था कि उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया था कि भाई आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे यूनिवर्सल सेट को, तो यूनिवर्सल सेट को ऐसे किया है, ठीक है। इसके अंदर कोई भी आपके जो सेट्स हैं, मान लीजिए कोई भी स्टडी करनी है, 2 सेट पे करनी है, 3 पे करनी है, वो कितने भी सेट्स हो सकते हैं। मान लो बेसिकली, मान लो मैं 2 ले लेता हूँ, जैसे एक सेट ये है ए और एक ये बी, बी सेट है, या तो क्या हो सकता है, या तो इनको मैं ऐसे दिखा सकता हूँ कि भाई एक सेट ये है एक सेट ये है, इनके बीच में मतलब कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। अभी एग्जांपल बताऊंगा आपको, एक तो ऐसे दिखा सकता हूँ, एक है आपको आपके पास यू माने यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट वही हो जाएगा जिससे पूरे नेचुरल नंबर लेंगे तो नेचुरल नंबर हो जाएगा। 1 to 10 तक मैंने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि 1 to 10 तक लूंगा, तो ये जो भी सेट आएंगे, सेट ए सेट बी, इनमें नंबर आपके क्या होंगे, 1 to 10 तक ही रहेंगे, इससे बाहर नहीं जा सकते, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट ही मैंने 1 से 10 की रेंज में मानना है, 1 to 10 नेचुरल नंबर्स को मानना है। अब सेकेंड केस क्या हो सकता है कि ये एक सेट है ए और ये सेट बी है, ऐसा भी हो सकता है इनमें कुछ कॉमन आ जाए, एक एक एग्जांपल दूंगा मैं इनके बारे में। एक और मान लेते हैं, यहां मान लेते हैं, यहां से देखिए यू, इसे हम लिख लेते हैं, जैसे ये आपका बी सेट है और इसके अंदर आपका ए सेट है, ये 3 कंडीशन हो सकती हैं किन्हीं भी 2 सेट्स के बीच में। देखिए, लेट ए, ए सेट को मान लिया मैंने 1 2 3, बी को मान लिया मैंने 4 5 6, तो ए में क्या होंगे, ए में 1 2 3 है, 1 2 3 4 5 6 इसमें है, 4 5 6 दोनों के बीच में कोई कॉमन है, नहीं है कॉमन, तो ये डिसजॉइंट सेट्स हो जाएंगे। कौन से सेट्स हो जाएंगे, ये डिसजॉइंट सेट, मतलब इन दोनों के बीच में कॉमन कोई एलिमेंट ना आए, ठीक है, इंटरसेक्शन ना आए इनमें, ओके। बता अभी सिंबल बताएंगे इसके क्या होते हैं। अब ये देखिए, अगर मान लीजिए मैं इसको बढ़ा देता हूँ सेकंड केस के लिए, इस केस के लिए, सेकंड केस के लिए हो जाता है इसमें 4, अब दोनों में क्या है 4, तो कॉमन क्या जाएगा, कॉमन है 4, अगर मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ, यहाँ 1 2 3 लिख देता हूँ, तो 1 2 3 4 ए सेट के हैं, तो 4 मैंने यहाँ क्यों लिखा, क्योंकि ये 4 बी में भी है, तो बी में भी है, तो यहाँ पे 4 भी आ जाएगा और यहाँ क्या रह जाएगा 5 और 6, ठीक है। बी की बात करेंगे तो 4 5 6, ए की बात करेंगे 1 2 3 4, 4 यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि 4 ए में भी है और बी में भी है, तो ये हो जाएगा आपका, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। ये 4 क्या चला जाएगा कि इनके बीच में कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं, ठीक है, कुछ कॉमन एलिमेंट है दोनों में, तो उसको इस एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। मान लीजिए 4 और 5 होते हैं यहाँ पे, 4 5 6 7 होते, तो 4 5
यहाँ दोनों इस तरह प्रकार लिखते हैं कि दोनों सेट में काउंटिंग हो। ठीक है, अब ये देखिए थर्ड केस, मान लीजिए इसके लिए यहाँ पे फोर है और थर्ड केस के लिए हो जाएगा, थर्ड केस के लिए स्टडी करते हैं, तो ये थर्ड केस है, इसके लिए स्टडी करते हैं। मान लीजिए वन भी है, टू भी है, थ्री भी है, फोर भी है, फाइव भी है, सिक्स भी है, तो इसमें क्या करेंगे, तो ए है पूरा वन टू थ्री फोर पूरा कंटेन करेगा, इसमें पूरे का पूरा कंटेन है इसमें। अब देखिए वन टू थ्री फोर ये हो गया, फाइव सिक्स, तो ए क्या है वन टू फोर, बी की बात आएगी तो बी में कौन कौन से है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ए में क्या है वन टू थ्री फोर। तो इट मीन्स हम क्या पढ़ चुके हैं, जब हम टाइप ऑफ सेट्स पढ़ रहे थे किया था हमने, तो उसमें क्या पढ़ा था कि जब ए के सभी एलिमेंट बी में हैं तो ये क्या हो जाएगा, ए सबसेट ऑफ बी। तो इसको इसके लिए हम ये डायग्राम बना सकते हैं सबसेट के लिए कि ए बी का क्या है सबसेट, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब ये डिसजॉइंट सेट है, अब इनको बता देता हूँ मैं कौन से इनको बोला क्या जाता है, लिखा क्या जाता है। अब इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है, इन दोनों के बीच में कॉमन ए और बी के बीच में कॉमन क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या जाएगा ये फाइव, क्या जाएगा ये फाइव, कोई भी कॉमन नहीं है। इसमें क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन, इसका मतलब होता है तो दोनों के बीच में कॉमन हो, तो इसमें क्या आपका, तो ये आपका हो जाएगा इंटरसेक्शन, तो इसमें कैसे लिखेंगे इसको, इसमें लिखेंगे फोर, फोर क्या है दोनों में कॉमन है, ओके। और एक होता है यूनियन, एक क्या होता है यूनियन, यूनियन का भी लिखना चाहिए, चलो उनको अलग अलग डिस्कस करेंगे, ओके। ये अब इनको रब कर देते हैं, अब समझ में आएगा, ये डिसजॉइंट के लिए है, ये कॉमन है तो ऐसे दिखाएंगे, और ये अगर ए बी का सबसेट है तो बी के अंदर ए को दिखा देंगे, ठीक है, जो एलिमेंट ए के अंदर लिखा है उनके अलावा जो बाकी बचेंगे फोर फाइव उनको बाहर लिख देंगे, फिर बी को काउंट करेंगे तो ए वाले भी सभी काउंटिंग में आएंगे, ओके। अब आगे देखिए इसे रब कर देते हैं, अब है यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन, यूनियन को कैसे दिखाते हैं हम, ऐसे दिखाते हैं, इंटरसेक्शन को कैसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। अब देखो यूनियन के लिए देखते हैं, लेट ए ए सेट मान लीजिए वन टू थ्री फोर फाइव, बी को मान लीजिए फोर फाइव सिक्स सेवन एट, इसको अगर डायग्राम में दिखाएं, हम कैसे दिखाएंगे इसको वेन डायग्राम में, ये यू है और ए क्या आपका, ये ए है, ये देखिए कॉमन है, हाँ कॉमन है, कॉमन है तो क्या करेगा इसको, ये ए है और ये क्या है बी, तो क्या लिखेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। इसका यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब होता है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, एक ऐसे सेट से मतलब होता है, एक ऐसे सेट से मतलब होता है सभी तो ए के आएंगे सभी बी के आएंगे और कॉमन है जो सभी मिला के। अब मान लीजिए इसमें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट सभी इंक्लूड हो जाएंगे, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ये होता, देखो वन टू थ्री फोर फाइव लिख दो, वन टू थ्री फोर फाइव और वन फोर फाइव तो आ चुका। अब सेट्स में एक बार लिखो या दस बार लिखो, एक ही बार काउंट करेंगे तो सिक्स सेवन एट और जोड़ देंगे, तो ये क्या है रिप्रेजेंटेशन। इसमें अगर हम ग्राफ इसको ब्लैक तो इसको दिखाना चाहिए, शेडेड रीजन दिखाना चाहिए, ये आपका ए है या आपका बी है, तो अगर इंटरसेक्शन के लिए दिखाना पड़ेगा तो क्या जाएगा, ये भी आ जाएगा, सभी इंक्लूड होंगे, ओके। ये इसका डायग्राम किसके लिए, यूनियन के लिए, कि ए के सभी एलिमेंट और बी के सभी एलिमेंट, ठीक है, कोई बचेगा नहीं, ये कॉमन है दोनों में आएंगे वो भी इंक्लूड हो जाएंगे, ओके। अभी देखिए अभी पढ़ेंगे हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में क्या होता है,
इसमें सिर्फ वही सेट्स लेते हैं तो दोनों दोनों सेट्स में हो, वही एलिमेंट लेंगे तो दोनों सेट्स में हो, जैसे 4 5 दोनों में है तो लिख लीजिए 4 5 ये। तो इसको दिखाएंगे कैसे, यूनिवर्सल सेट क्या हमारा 1 to 10 ले रखा है आपने, और ये ए क्या है, ये ए है, और ये क्या है, ये भी है, दोनों कॉमन क्या है 4 5 यही तो है इंटरसेक्शन। तो इसको कैसे दिखाएंगे इंटरसेक्शन के लिए, इंटरसेक्शन के लिए दिखा सकते हैं हम, ये ए है, ये बी है, तो इंटरसेक्शन के लिए क्या होता है, ठीक है, ये इंटरसेक्शन। तो इसको ये मतलब क्या हुआ, ये रीजन हुआ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, इसको ऐसे डिनोट किया जाता है। ओके अब आगे नेक्स्ट करते हैं, अब डिसजॉइंट सेट्स जिनके बीच में कुछ कॉमन ना हो, ठीक है, वो क्या जाएगा इसमें, ए इंटरसेक्शन, जो ए इंटरसेक्शन करें आपका एम्प्टी सेट आ जाएगा, तो एक आप ये एम्प्टी सेट का ये होता है, इसके बीच में एक कॉमन कुछ नहीं होगा, ठीक है, इंटरसेक्शन क्या किसके इक्वल हो जाएगा 5 के। डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है, देखिए ए सेट मान लीजिए लेट 1 2 3 4 ये मान लीजिए बी है, 4 5 6 7 ठीक है, ये मान लीजिए। तो डिफरेंस ऑफ सेट में क्या होता है, जब ए बी की बात करते हैं, ए माइनस बी की बात करते हैं, तो इसके लिए अगर वेन डायग्राम देखें, इसमें इसको पहले क्या लिखेंगे, ये सेट होगा क्या, इसे लिखेंगे हम जो ए ए में है, ए अगर आ गया तो ए ए में है, बी में ना हो, बी के तो सभी छोड़ देंगे, बी को छोड़ के जो सिर्फ ओनली ए में है, इट मीन्स होता है ए माइनस बी में ओनली इन ए, ठीक है, बी में नहीं होना चाहिए वो, जैसे देखो 1 है 2 है 3 है 4 है, ए में है, वेरी गुड, बट 4 और 5 क्या है, बी में है, बी के तो नहीं होने चाहिए थे, 6 7 ये, अब ए में क्या है 1 2 3 4 है, इनमें भी 3 और 4 बी, सॉरी 4 बी में है, 1 2 3 बचा जो बी में नहीं है, तो इसमें क्या जाएगा 1 2 3 ये सेट आ जाएगा। ओके अब बी माइनस ए क्या होगा, जो बी बी में है, बी बी में है, ए में नहीं होने चाहिए, तो बी में क्या है 4 4 इसमें इसको नहीं लेंगे, 5 6 7 आ जाएगा, 5 6 7 आ जाएगा। तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, ये ए है, ये बी है, ये आपका यूनिवर्सल सेट है, तो ए माइनस बी सिर्फ ए में है तो कॉमन वाले भी नहीं आएंगे, इसको क्या बोला जाता है ए माइनस बी, जो सिर्फ बी बी में है, ये बी बी को जैसे इसे बोला जाएगा बी माइनस ए। ओके फिर आपका डिफरेंस ऑफ सेट्स बोला जाता है, क्या बोला जाता है डिफरेंस ऑफ सेट्स, ये टाइप भी हो सकती है और ये टाइप भी हो सकती है, रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको यहां बता दिया है। अब है सिमिट्री, सिमिट्री ऑफ डिफरेंस ऑफ सेट, इसकी सिमिट्री क्या होती है, जो ये सेट आए सिमिट्री की बात कर रहे हैं, ये कंबाइंड है दोनों, इसकी बात कर रहे हैं, तो ये क्या होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ये होता है इसमें, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें क्या है, जैसे मान लो ये वाला एलिमेंट है, ये है, ये और ये दोनों मिला के लिख देंगे तो क्या है 1 2 3 यूनियन में क्या होता है, यूनियन में क्या होता है ए और बी के सभी एलिमेंट मिला के लिख देते हैं, तो यहाँ पे क्या है ए माइनस बी 1 2 3 लिख दिया, और फिर बी में क्या है, बी माइनस ए में क्या है 5 6 7 5 6 7 दोनों के बीच में कॉमन क्या था, कॉमन 4 था दोनों में, 4 था ना यहाँ पे कॉमन, यहाँ तो कुछ कॉमन है ही नहीं, और वो देख रहा हूँ कि भी आपका जो कॉमन है कॉमन वाला छूट जाएगा, जिसे 4 दोनों में था उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ ए के और सिर्फ बी के, उनकी जब हम इंटरसेक्शन कर देते हैं तो वो सिमेट्रिक ऑफ डिफरेंस ऑफ सेट्स बोला जाता है। ओके क्लियर, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, अब क्या बचता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, देखिए क्या होता है, रब कर देते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट
ए इस सेट के मान को कॉम्प्लीमेंट निकालो। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट में जो इस सेट के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी यूनिवर्सल सेट के सभी होते हैं। तो देखिए अब यूनिवर्सल सेट में क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ए में क्या है 1 2 3 4। तो कॉम्प्लीमेंट में क्या है, ये चार नहीं आएंगे एलिमेंट, 1 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा और 4 नहीं आएगा। मतलब रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इसको, अगर आप दिखाना चाह रहे हो कि लिखना चाह रहे हो तो ये सेट में लिख सकते हो 5 6 7 8 9 10, क्योंकि ए का कॉम्प्लीमेंट है ना। ए के कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, ए के कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जो ए में सेट हैं, सॉरी जो ए में एलिमेंट हैं उनको छोड़ देंगे, बाकी यूनिवर्सल सेट में जितने भी एलिमेंट हैं उन सबको लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या था, 1 2 3 4 इनको मैंने छोड़ दिया, बाकी 4 5 6 7 8 9 10 इनको मैंने यहाँ लिख दिया। इसको दिखाएंगे कैसे वेन डायग्राम में। अब देखो ये यूनिवर्सल है सेट आपका, ये क्या है, ए सेट है, 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, तो ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ये बाकी बाहर का एरिया। जो मैं शेड कर रहा हूँ शेडेड एरिया है या आपका क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। ये बाहर का जितना एरिया बचा इसमें कौन से एलिमेंट मिलेंगे, इसमें आपके मिलेंगे 6 7 8 9 10, ये मिलेंगे, ये सभी क्या आपके ए का कॉम्प्लीमेंट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।